नमस्कार दोस्तों, अपना प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस बार के अंक पर। प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री पहुंची कृषि अनुसंधान केंद्र, जानी प्रगति रिपोर्ट, दिए सुझाव। वाहनों पर स्टाइलिश नंबर प्लेट लगाने वालों की अब खैर नहीं, पुलिस प्रशासन ने उठाए सख्त कदम। जनता को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। प्रदेश में पर्यावरण बचाने के लिए जन जागरूकता अभियान जारी, वृक्षारोपण पर दिया जा रहा है जोर। बाजारों और शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर निगम बरेली की सख्ती जारी, शहरवासी खुश। जनपद हमीरपुर में सैकड़ों पेड़ों को गोद लेकर स्थानीय लोगों ने शुरू की पर्यावरण संरक्षण की अनोखी पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र में सत्ता संभालते ही अनुसंधान पर विशेष जोर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के अनुसंधानों पर न केवल बजट बढ़ाया गया बल्कि अच्छा कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री के निर्देश पर सभी सांसद और मंत्री अपने अपने क्षेत्र के अनुसंधान केंद्रों की प्रगति रिपोर्ट देखने पहुँचे। आइए देखते हैं अमिताभ खरे के साथ अभिषेक शुक्ला की यह रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट जानने के लिए पिछले दिनों केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती अपने संसदीय क्षेत्र ललितपुर के खिरिया मिश्र ग्राम स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पहुंची, जहां पर उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को सराहा भी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के अनुरूप अनुसंधान पर जोर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर पानी की कमी है, लिहाजा ऐसी फसलों की पैदावार पर जोर दिया जाए जो कि कम पानी में भी अच्छा मुनाफा दें। उमा भारती ने सुझाव देते हुए कहा कि बुंदेलखंड में कठिया प्रजाति का गेहूं, जिसे हम लाल गेहूं भी कहते हैं, की पैदावार पर फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे मात्र 1 से 2 पानी की आवश्यकता होती है तथा यह स्वादिष्ट और सुपाच्य भी होता है। इतना ही नहीं, बाजार में इसकी कीमत अन्य प्रजाति के गेहूँ से अधिक भी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया है कि हम लोग आज के दिन कृषि विज्ञान केंद्र पर जाएं, उनकी परफॉर्मेंस देखें और उनको कुछ नए प्रयोगों के लिए सुझाव दें। जैसे मैंने आज यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर पुराना एक लाल गेहूँ होता था जो बहुत सुपाच्य होता था और स्वादिष्ट होता था। आज उसकी भारत के मार्केट में बहुत मांग है, ख़ास करके पैसे वाले वर्गों में। तो अगर और उसमें कम पानी लगता है और ख़ास करके जो ज़मीनें आदिवासियों को आवंटित हुई हैं जिनमें की सिंचाई के साधन नहीं है, वहाँ पर उन आदिवासियों को अगर फिर से ट्रेनिंग हो और उस गेहूं को मार्केट उपलब्ध कराया जाए तो निश्चित रूप से वो ज़मीन भी उपयोगी हो जाएगी और उनको आय भी बढ़ेगी। इसी प्रकार के कुछ अन्य सुझाव भी हैं जो यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में हमने दिए हैं। बाकी प्रगति यहाँ की बहुत संतोषजनक है। केंद्रीय मंत्री द्वारा इस केंद्र में लगाए गए औषधीय पौधों का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए किसानों व ग्रामीणों को कृषि की उन्नत तकनीकी के प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें मृदा परीक्षण एवं कम पानी कम लागत वाली नकदी फसलों के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के उपनिदेशक AK चौहान ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने जो कठिया गेहूं की बात की है, अब संस्थान द्वारा उस पर विशेष बल दिया जाएगा। चौहान ने बताया कि जनपद की जलवायु दलहनी फसलों के लिए काफ़ी अनुकूल है, यही कारण है कि जनपद में लगभग 2 लाख हेक्टेयर पर उर्द की खेती की जाती है। संस्थान द्वारा उर्द, मक्का, तिल आदि की उन्नत प्रजाति के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आय में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि कुछ औषधीय पौधों जैसे कि लेमन ग्रास, गिलोय, गुग्गल, ग्वारपाठा आदि के लिए भी यहाँ का वातावरण काफ़ी अनुकूल है, लिहाजा इसके व्यावसायिक उत्पादन पर भी जोर दिए जाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री द्वारा हम लोगों को सजेस्ट किया गया कि आप इस यहाँ पर एक गेहूँ की जो नई प्रजाति है, क्या नाम, कठिया गेहूँ की, वो कठिया गेहूँ यहाँ लाएँ और यहाँ पर जो भी कम पानी में हो जाता है उसको भी लगाएँ। हमने माननीय मंत्री जी को आश्वस्त किया है कि हम अगली बार से यहाँ रबी में कठिया गेहूँ लगाएंगे। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुकूल सरकारें और अनुसंधान केंद्र अपना ध्यान केंद्रित करें तो निश्चय ही देश को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। आजकल गाड़ियों में VIP नंबर लेना और डिजाइनर नेम प्लेट्स लगाना युवाओं में टसन बन गया है। ऐसे में कई बार असामाजिक तत्व भी इसका लाभ ले रहे हैं। पिछले दिनों प्रदेश में कई घटनाएं ऐसी घटित हुई जिनको लेकर अब पुलिस विभाग द्वारा सख्ती की जा रही है। आइए देखते हैं ब्रजेश राठौर की यह रिपोर्ट। आजकल वाहनों पर स्टाइलिश नंबर प्लेट लगवाने का चलन देखने में आ रहा है। कई लोग तो इस तरह के नंबर प्लेट लगवाते हैं कि उससे नंबर पढ़ना काफ़ी मुश्किल रहता है। ऐसे में कई बार असामाजिक तत्व इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं।
पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में ऐसी कई वारदातों के समाचार सामने आए हैं जब किसी घटना को अंजाम देने के बाद वाहन चालक आसानी से लोगों के सामने से बस निकलते हैं। ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद जिले में देखने को मिला, जहां इस प्रकार की नंबर प्लेट वाले वाहन चालक को सबक सिखाया गया। फिरोजाबाद जिले में एक ट्विटर यूजर ने शहर में चक्कर लगा रही एक कार की एक ऐसी तस्वीर ट्वीट की जिस पर पुलिस विभाग का स्टिकर व नंबर प्लेट पर स्लाइडिस्ट नंबर में पापा अंकित था। तब किसी व्यक्ति ने इसका फोटो खींचकर ट्विटर पर यूपी पुलिस को ट्वीट कर दिया। आनंद फानंद में पुलिस के आला अधिकारियों ने इस ट्वीट पर एक्शन लेते हुए जिले के आला अधिकारियों को कार्रवाई के लिए कड़े निर्देश दिए। परिणाम स्वरूप कार को 2 घंटे की मशक्कत के बाद खोज निकाला गया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई भी की गई और बाद में स्टाइलिश नंबर प्लेट बदलवा कर कार को छोड़ दिया गया। पुलिस विभाग के व्यक्ति गाड़ी नहीं थी, शहर में गाड़ी दिखाई दी नंबर के, चेकिंग कराई गई, लाइन पर थाना क्षेत्र में गाड़ी रोकी गई। गाड़ी का नंबर 4141 है, वैसा लग रहा था पापा। उस गाड़ी पे गुदाऊ के एक व्यक्ति है, शीरेन नाम की व्यक्ति गाड़ी है, उसका रजिस्ट्रेशन है और जो कमियां थी वो मोटर व्हीकल एक्ट में तहत उस पर कार्रवाई। यह पूरा मामला फिरोजाबाद जिले का है जहां यह कार शहर में घूम रही है, तभी एक जागरूक व्यक्ति ने इस गाड़ी का फोटो खींच लिया और यूपी पुलिस के ट्विटर पर ट्वीट कर दिया। उसके ट्वीट करने का इंडिकेशन यह था कि यदि पुलिस का स्टिकर लगी गाड़ी इस तरीके से स्टाइलिश नंबर प्लेट लगाकर घूमती है तो फिर आम जनता क्या करेगी, क्योंकि इस गाड़ी का नंबर प्लेट दूर से देखने पर पापा लिखा प्रतीत हो रहा था। जब इस पूरे मामले पर जिले के SSP राहुल यदुवेंदु से बात की तो उन्होंने यह तो कबूला कि चेकिंग के दौरान इस तरह की गाड़ी पकड़ी गई और उसका चालान करके विधिवत कार्रवाई भी की गई। इस मामले में काबिले तारीफ यह है कि ट्विटर पर ट्वीट करने के बाद यूपी पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। महंगाई के इस दौर में लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलवाए गए हैं, जिनमें बिकने वाली जेनेरिक दवाएं बाजार में बिकने वाली दवाओं से 90% तक सस्ती हैं। आइए देखते हैं जन औषधि पर केंद्रित यह खास रिपोर्ट। देश भर की गरीब तथा जरूरतमंद जनता को महंगी दवाइयों से राहत देने के लिए सरकार द्वारा समस्त राज्यों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इस योजना का मकसद लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराना है। यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, परंतु कुछ चिकित्सकों द्वारा निजी स्वार्थों के चलते गरीब तथा जरूरतमंद लोग इस योजना का भरपूर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में ही 10 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं और अधिकांश लोगों को इनके बारे में कम ही जानकारी है। इन औषधि केंद्रों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें ब्लड प्रेशर, हार्ट तथा शुगर जैसे रोगों की दवाइयाँ बाजार में बेची जा रही अन्य दवाइयों से 90% तक सस्ती हैं। ब्लड प्रेशर की जो दवा बाजार के मेडिकल स्टोरों में 110 रुपये में बेची जा रही है, उसी बीमारी की जेनरिक दवा इन स्टोरों पर मात्र 5 रुपये में उपलब्ध है। लगभग 800 आइटम उपलब्ध है और एवरेजिटी भी अच्छी बनी हुई है। ये समझिए करीब 80% दवाई तो हर समय मौजूद रहती है। मार्केट से लगभग 10-15% तक रेट है। मार्केट में अगर 100 रुपये है तो यहाँ 10-15 रुपये। फिलहाल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों की 600 दवाइयां तथा 200 के आसपास सर्जिकल आइटम्स उपलब्ध हैं, जिनमें बीपी, हार्ट, शुगर, एंटीबायोटिक्स इत्यादि दवाएं हैं जो कि बाजार की समकक्ष दवाओं से 90% तक सस्ती हैं। ये प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना के तहत इतनी सस्ती दवाइयां हैं जो मार्केट में 150 रुपये की दवाई को मात्र हमारे यहाँ 15 रुपये का ही पत्ता मिलता है और मरीज जो है दवा लेके बहुत खुश हो जाते हैं। कितने मरीज को हमारे यहाँ दवाएं देके जाते हैं कि मोदी जी की इतनी अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को घोषित एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा जन औषधि स्टोर बनाए गए हैं जहाँ जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जेनेरिक दवाइयाँ ब्रांडेड या फार्मा की दवाइयों के मुकाबले सस्ती होती हैं, जबकि प्रभावशाली उनके बराबर ही होती हैं। इसलिए जागरूक लोग सरकार की इस बेहद महत्वाकांक्षी योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। मैं यहाँ से अपनी मदर की दवाई ले जाता हूँ, काफी बीपी की, हार्ट की, डायबिटीज की, ये काफी सस्ते दामों में मिलती है मार्केट में।
आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान मूलतः जनता को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि जनता समझ सके कि ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में जेनरिक मेडिसिन कम मूल्य पर उपलब्ध है, साथ ही इसकी क्वालिटी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, जिन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना में आम नागरिकों को बाजार से 60-70% तक कम कीमत पर दवाइयाँ मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही देश भर में 1000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोले जाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि लोगों को बेहद सस्ती दरों में जरूरी दवाएं उपलब्ध हो सके। दोस्तों, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शिक्षा ज्ञान का वो प्रकाश है जो हमारे जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। सबको अच्छी एवं गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान कर उनका समुचित विकास करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश सरकार ने अपने गठन के पश्चात ही शिक्षा क्षेत्र में सुधार और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया था। हम सबका मानना है कि एक उत्तम और संस्कारयुक्त शिक्षा ही व्यक्ति के जीवन स्तर को उठा सकती है, एक किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। आने वाले समय में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय किसी भी कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल को मात देते हुए दिखाई देंगे। कहते हैं, यदि नींव मजबूत हो तो उस पर बनी इमारत भी बुलंद होती है। इसीलिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर विशेष जोर दिया। बेसिक शिक्षा परिषद ने तय किया है कि प्रदेश के अंदर कोई भी बालक और कोई भी बालिका स्कूल जाने से वंचित ना हो, इसके लिए सारा शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि स्वयंसेवी संगठन सामाजिक संगठन धार्मिक संगठन इन सबके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। विगत एक वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद के 158,837 विद्यालयों में कुल 1,54,22,047 छात्रों का दाखिला कराया गया, जो अपने आप में एक उत्साहजनक वृद्धि है। पहली बार प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों को निशुल्क स्कूल बैग, जूता मोजा और स्वेटर का वितरण किया। सच संवर कर स्कूल जाते ये बच्चे आज अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर हैं। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार नई ऊंचाइयों को छूने की दिशा में अग्रसर है और विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य को संजोने के अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध भी। आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज BTC, BEd, BPed, BSc, BCom, BA में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का बुंदेलखंड का सर्वोत्तम संस्थान। विशाल का क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, खेलकूद और कंपटीशन क्लासेस समेत छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास पर जोर। आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज नवीन गल्ला मंडी के पास झांसी रोड महर्रा ललितपुर उत्तर प्रदेश। बात समसामयिक विषयों की, बात योजनाओं के लाभ की, बात तरक्की की, बात अपना प्रदेश की। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की ओर। पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता का भाव अब लोगों में नजर आने लगा है। विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों एवं सरकारों के जागरूकता अभियान का असर अब दिखाई देने लगा है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के सभी जनपदों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कहीं पर प्लास्टिक को नो कहा गया तो कहीं पर वृक्षारोपण पर जोर दिया गया। आइए देखते हैं बहराइच से संतोष मिश्रा के साथ दया शंकर शुक्ला की यह रिपोर्ट। पर्यावरण पर जैसे जैसे संकट बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसके दुष्प्रभावों के चलते अब लोगों में जागरूकता आने लगी है। समाज में कई जागरूक लोगों द्वारा पर्यावरण को बचाने के तमाम प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बार विश्व पर्यावरण दिवस पर संपूर्ण प्रदेश में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पौधरोपण करना, पॉलिथीन को नो कहना, प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना आदि पर जोर दिया गया। ऐसा ही एक पौधरोपण का कार्यक्रम बहराइच जनपद के विकास खंड विश्वेश्वरगंज में भी किया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर R.K. मिश्रा ने पौधा लगाते हुए कहा कि अब वह समय आ चुका है कि समाज का हर व्यक्ति कम से कम 2 पौधों की जिम्मेदारी ले, इसी से पर्यावरण को होने वाली क्षति को रोका जा सकता है। देखिए, धर्मशास्त्रों में सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें जब नरक की कल्पना की गई है तो उसमें कहा गया है कि वह पर खौलती हुई रेत होती है, बंजर होता है, कड़ाहों में उनको बाला जाता है, और जब स्वर्ग की कल्पना की गई है तो कहा गया वहाँ पर नंदन कान है, वहाँ पर इसमें से जो है फूलों की भीनी भीनी खुशबू आती है, छायादार फलदार वृक्ष होते हैं। तो जब यहाँ पर हमारे हमारे हमें यहाँ पर ज्वाइन किया, जो है चार्ज लिया यहाँ का,
उस समय यहाँ पर कोई पेड़ पौधे लगे नहीं हुए थे, क्योंकि CHC थोड़ा नया बना हुआ है, तो छायादार पेड़ नहीं थे, फलदार पेड़ नहीं थे, काफ़ी गंदगी थी। तो सब साफ़ सफाई की दृष्टि से थोड़ा फलदार वृक्ष लग जाएँ, छायादार वृक्ष लग जाएँ, फूलों की खुशबू रहे, वातावरण हरा भरा रहे हमारा, इसलिए जो है वृक्षारोपण किया जाए। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि पर्यावरण तभी बच सकता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अमीरी गरीबी छोटे बड़े की मानसिकता से ऊपर उठकर इसे बचाने में अपना योगदान दे। यह कार्य किसी भी सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता जब तक कि देश के लोग स्वयं जागरूक होकर आगे नहीं आएंगे। इस अवसर पर डॉक्टर पंकज मौर्य, प्रेमचंद तिवारी, अमरनाथ गुप्ता, समाज सेवी नीतू मिश्रा समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समस्त कर्मचारी भी उपस्थित रहे। नगर निगम बरेली द्वारा शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ाने और शहर की सड़कों और बाजारों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप अब शहर साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त नजर आने लगा है। इससे शहरवासी भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं बरेली से बसंत जोशी की यह रिपोर्ट। बरेली नगर निगम द्वारा शहर के बाजारों, आवासीय क्षेत्रों तथा मुख्य मार्गों को जहां अतिक्रमण मुक्त बनाए जाने की कवायद जारी है, वहीं इसका सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों द्वारा भरपूर स्वागत भी किया जा रहा है। शहर में काफ़ी अतिक्रमण था, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी और ट्रैफिक जाम होता था। अब यह है कि जैसे जैसे ट्रैफिक वो अतिक्रमण हटाया जाता है तो वो जगह खुली खुली नज़र आती है और लोगों को आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं होती। तो एक तरफ शहर का सुंदरीकरण भी हो रहा है और लोगों को परेशानी भी नहीं। वर्तमान में बरेली शहर के पवन विहार, ग्रीन पार्क तथा पीलीभीत बाईपास रोड पर अतिक्रमण हटाए जाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र की तस्वीर बदल चुकी है। स्थानीय लोग इस बात से खुश हैं कि उनके आसपास की सड़कें चौड़ी तथा साफ सुथरी हो चुकी हैं। हमारे शहर में अतिक्रमण अभियान जो हमारे मेयर द्वारा चलाया जा रहा है, वो मोदी जी की योजना का एक परिणाम है और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जो हमारे मेयर साहब कर रहे हैं वो बहुत ही सुंदर कर रहे हैं। जितनी गंदगी शहर में थी ऑलमोस्ट उन्होंने सफाई कर दी है। आसपास जितने गंदगी के ढेर थे सब सफा हो गए हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, नई नई रोशनियाँ सारी सड़कों पे LED लाइट्स, जहाँ अंधेरा रहता था वहाँ नई LED लाइट्स लगा दी गई हैं, सड़कें रात भर चमाचम रहती हैं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत उत्तम की गई है। आपको बताते चलें कि इससे पूर्व बरेली शहर के सभी बाजारों, गलियों तथा मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण का बोलबाला था, जिस कारण शहर की सड़कें संकरी हो चुकी थी और लोगों को हर जगह ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना भी करना पड़ता था। परंतु अब अतिक्रमण हट जाने के बाद शहर के सभी मार्ग जहां चौड़े और साफ सुथरे नजर आते हैं, वहीं लोगों को ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिल चुका है। और इस शहर में जो अतिक्रमण को लेकर के जो अभियान चला है काफी सराहनीय है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और अतिक्रमण करने वालों का मैं विरोध करता हूँ और ये अतिक्रमण ऐसे ही चलना चाहिए। मैं माननीय मेयर साहब का और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, माननीय मंत्रियों का, सबका आभारी हूँ और इसमें सहयोग करें और यह अतिक्रमण ऐसे ही चलता रहे, मैं सभी से यह अपेक्षा। प्रदेश के जनपद हमीरपुर में पर्यावरण को बचाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा एक अनोखी पहल शुरू की गई है। इसके अंतर्गत यमुना नदी के किनारे सैकड़ों वृक्षों को गोद लिया गया है, वह इनकी नियमित देखभाल भी कर रहे हैं। उनकी यह मुहिम अब रंग लाने लगी है। आइए देखते हैं हमीरपुर से रविंद्र सिंह की यह रिपोर्ट। यमुना तट पर खड़े यह सभी पेड़ स्थानीय निवासियों द्वारा गोद लिए गए हैं और इन निवासियों ने इन पेड़ों के पौधों को न सिर्फ रोपा है बल्कि पौधों को गोद लेकर इनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करके इनको बड़ा कर एक मिसाल पेश की है। भाई, हमारा संदेश तो यह है कि जैसे हम होली, दिवाली, दशहरा त्यौहार मनाते हैं और इसको मना करके केवल भूल जाते हैं, लेकिन पर्यावरण के साथ ऐसा नहीं। इसके लिए हमको बहुत सजग रहना पड़ेगा। अगर हम सजग नहीं रहे तो आगे वाले आने वाला समय जो है बहुत ही हमको लिए कष्टदायी होगा। पर्यावरण के हमको जो एक युगधन मान करके इसकी रक्षा करनी है और जिस तरीके से अपने हम संतान और परिवार की रक्षा करते हैं, उसको पुष्पित पल्लवित करते हैं, उसी तरीके से हम पर्यावरण पर जागरूक हमको होना। अभी मैं पानी डाल रही हूँ, वो कल तक वो बड़े होंगे और तो हमको छाया देंगे। और हमारे जो इतनी गर्मी हो रही है और जो प्रदूषण जो हमारा फैला हुआ है, गंदा हो रहा है, उसको साफ करेगा। यहाँ लोगों ने पेड़ों को इतना आप देख रहे हैं पूरा लगा हुआ है, यहाँ पर कई लोग घूमने भी आते हैं
ताकि उनको, क्योंकि शांति मिलती है, सुख मिलता है और ठंडी हवा मिलती है जो कूलर और पंखों में इतना सुकून नहीं देती है। हमीरपुर जिले में पेड़ों की अंधाधुंध कटान से सभी जंगल खत्म हो चुके हैं। बाकी सड़क किनारे खड़े प्राचीन पेड़ों को हाईवे बनाने के नाम पर काट दिया गया है, जिससे जिले का पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इसीलिए यह जिला दैविक आपदाओं से जूझ भी रहा है। बरसात न होना या फिर बेमौसम बरसात से किसानों के साथ स्थानीय निवासी भी बुरी तरह परेशान हैं। इसी परेशानी को देखते हुए लोगों ने पेड़ लगाए और उन्हें गोद लेकर पर्यावरण बचाने का अभियान चलाया। मैं अपने पेड़ों की देखरेख बहुत अच्छे से करती हूँ। कभी कभी मैं पेड़ों के चक्कर में मैं घर में खाना बनाना भी भूल जाती हूँ, घर में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, और हम सब लोग मिलके यहाँ वृक्षों की बहुत अच्छे से देखरेख करते हैं। हमारा महत्वपूर्ण कार्य है पर्यावरण को बचाना और पर्यावरण को बढ़ाना, इसलिए वृक्षों की देखरेख जरूरी है। काफ़ी महिलाएं गोद भी लिए हैं तो अपनी अपनी जिम्मेदारी बड़ी निष्ठा के साथ करती हैं। स्थानीय निवासियों द्वारा गोद लेकर देखभाल कर बड़े किए गए इन पेड़ों में पीपल, बरगद, नीम, पाकड़ सहित तमाम प्रकार के फलदार और छायादार वृक्ष हैं जो सैकड़ों सालों तक खड़े रहते हैं। इन पेड़ों को पालने में निवासियों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। रोज सुबह शाम पेड़ों को पानी देने आना और घर का काम भी साथ में ही करना, जिससे कई बार घरों में झगड़े भी होते थे। फिर बाद में पेड़ों की देखभाल करना इनकी आदत में शुमार हो गया और यह पेड़ लगाकर बड़े हो गए। हम लोग सारे पेड़ों की सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही दो पेड़ में डालते हैं। जितने पेड़ों में पानी नहीं पहुंच पाता उनमें हम लोग डालते, बाकी सटर से बाकी सब में डालते। हम सब लोग पर्यावरण बचाने के लिए और आने वाली पीढ़ी को कुछ देने के लिए हम ये कर रहे हैं। हम करीब 20-25 बहनें हैं जो नियमित पानी डालते हैं, और इतनी गर्मी, इतनी लू धूप में अगर हम पानी नहीं डालेंगे ये पेड़ कुम्हला जाएंगे। करीब 100 पेड़ हमने लगाए हैं यहाँ पर। 100 पेड़ में जो है सबने एक एक पेड़ गोद लिया हुआ है, और जो डालते हैं नहीं तो 20-25 बहनें हैं जो कि सभी पेड़ों को देखती हैं और सभी पेड़ों में पानी डालती हैं। यमुना नदी के किनारे पेड़ों को गोद लेकर स्थानीय निवासियों ने पर्यावरण बचाने की मुहिम चलाकर बेहतरीन मिसाल पेश की है। ऐसी ही मुहिम पूरे बुंदेलखंड में भी चलनी चाहिए, तभी बुंदेलखंड को दैवीय आपदाओं से मुक्ति मिलेगी और पर्यावरण भी दुरुस्त हो सकेगा। दोस्तों, यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9919999599, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है apnapradeshtv@gmail.com। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे मनोज पुरोहित को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।